नमस्कार दोस्तों, तो ओवर कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना इज बैक और इस बार ये फंसती नजर आ रही हैं, पर इस बार इनके साथ अमिताभ बच्चन भी हैं। तो आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि वह एक अच्छी फिल्म की प्रशंसा करेगी भले ही इसके पीछे कोई भी हो। वह विवेक अग्निहोत्री और करण जौहर के बीच कोई भी भेद नहीं करती है, पहले तो हमें पता है कभी नहीं करती। यूट्यूब चैनल ट्राइड एंड रिव्यूज प्रोडक्शन के साथ एक इंटरव्यू में कंगना ने इंडस्ट्री के दबाव पर भी बात करी और पूछा क्या ये कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से उनके काम की प्रशंसा करने से नहीं रोकता है। अमिताभ बच्चन जिन्होंने ताकड़ मूवी के ट्रेलर का पहले तो पोस्ट ट्वीट किया फिर उसको डिलीट कर दिया, अब इसी का उदाहरण देते हुए कंगना ने कहा सभी को पर्सनल इनसिक्योरिटीज है, उन्हें डर है कि इंडस्ट्री उन्हें बायकॉट ना कर दे। उन्होंने ये भी बोला कि ये बड़े ही अचंभे की बात है कि श्री बच्चन ने ट्रेलर ट्वीट किया और फिर उन्होंने 5 से 10 मिनट में हटा भी दिया। आखिर इतने बड़े सुपरस्टार को किसका डर है? उन्होंने आगे कहा मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इंडस्ट्री में शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में बहुत पर्सनल इनसिक्योरिटी है। यह सिर्फ एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हो सकता, क्यों यह अभिनेता मुझे और मेरे काम को प्रोत्साहित करने में विफल रहते हैं, खासकर जब महिलाओं के लिए एक इतनी महत्वपूर्ण फिल्म है। यह फिल्मों की बाढ़ का द्वार खोल सकती है जो हम सभी को एक नया अवसर देती है। अब दोस्तों आप बताइएगा कि कंगना रनौत का अमिताभ बच्चन के ऊपर ये टिप्पणी सही है या नहीं, अमिताभ बच्चन ने सही किया या गलत किया। आप सब ऊपर हैं, आपकी ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तब तक के लिए जय।